वो और उसका परिवार परमेश्वर का आदर करते थे। वो यहूदी नहीं थे, वो अन्य जाति से थे। यहां पर लाने के लिए याफा में मनुष्यों को भेज, उसी तरह कुरनेलियस ने किया। एक दर्शन में एक बड़ा पात्र स्वर्ग से आया, ये जानवरों से भरा हुआ था। एक आवाज ने कहा, हे पतरस उठ, कुछ मार कर खा। यहूदियों को अनुमति नहीं थी, मैं उन्हें नहीं खा सकता। पतरस ने जवाब दिया, अगर मैं कहूं कि उन सबको खाना सही है, आवाज ने जवाब दिया, तब वो सब सही है। इसलिए पतरस और कुछ अन्य उसके साथ कैसरिया में गए। कुरनेलियस का घर उसके मित्रों और परिवार के साथ पतरस को बोलते सुनने के लिए भरा पड़ा था। लोगों को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने यीशु को हर एक के लिए भेजा। वो सबका प्रभु है। उसने बीमारों को चंगा किया और दबाए हुओं को आजाद किया। उसके पापों की क्षमा पाएगा। पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के समान ही उन पर उतरा। पतरस ने उन्हें बपतिस्मा दिया।